आज हम बनाएंगे इतनी लजीज सब्जी कॉर्न और मटर के। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत बार देखा होगा पर ऐसी सब्जी आपने शायद ही कभी टेस्ट की होगी। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, मैं छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी आपको जिसको यूज़ करके आप अपनी सब्जी को बहुत ही टेस्टी बना सकती हैं और बार बार खाने का दिल करेगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले एज यूजल कढ़ाई तो लेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जी कढ़ाई के बिना पूरी नहीं होगी। तो हम एक कढ़ाई लेंगे और उसको गर्म करने के लिए रखेंगे। उसमें डालेंगे 3 छोटे चम्मच घी। मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं और या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हो वो ले सकते हैं। अब उसमें हम डालेंगे 2 कप फ्रोज़न कॉर्न। ये फ्रोज़न है तो ये बॉयल्ड ही होते हैं, तो इनको हमें अलग से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने 2 कप फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं और एक बार मैंने इसको वॉश कर लिया है, क्योंकि ये इसमें आइस के टुकड़े होते हैं तो मैंने इसको वॉश करके यूज़ किया है। अब इसको हम 1 या 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। अब मैंने लिया है मटर, मैंने 1 कप मटर का यूज़ किया है। आप अपनी नीड्स के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी फ्रोज़न है तो मैंने इसको भी वॉश कर लिया है और वॉश करके ही यूज़ किया है। हल्का सा नमक डाला है और नमक डालने के बाद हम इन दोनों को थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए हम चलाएंगे। और चलाने के बाद हम इसको गैस से उतार कर साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आता है मेरा पहला टिप। आप यहाँ पर कॉर्न और मटर को फ्राई न करके आप बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसको गर्म पानी में डाल दीजिए, कुछ मिनटों के लिए चलाइए, हल्का सा नमक डाल दीजिए और बस उसका पानी निकाल कर उसको ड्रेन करके आप रख सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है आपकी सब्जी बनाने का। इसमें आपका ऑयल भी कम लगेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब हम तैयार करते हैं इसके करी। करी बनाने के लिए मैंने उसी कढ़ाई को जिसमें से मैंने मटर और कॉर्न फ्राई किए थे उसी कढ़ाई को मैंने यूज़ किया है। उसमें 1 चम्मच और घी डाला है, पहले से ही घी था मेरे पास, उसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया है। अब घी गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 2 छोटी इलायची और अदरक के टुकड़े जो कि मैंने रफली चॉप करके डाले हैं इसमें, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2-3 पीस दालचीनी के, 2-3 पीस तेज़पत्ता को मैंने तोड़ कर डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज ली है, उसको रफली चॉप कर लिया है और उसको हम डालकर इसमें 1 मिनट तक चलाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है 2 बड़े टमाटर, वो भी मैंने रफली चॉप किए हैं, उसको भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। फिर हम ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। इसमें ज़रा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसमें 1/4 चम्मच आप ले सकते हैं। हमने इस ग्रेवी को बनाने के लिए इसमें पहले ही थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी में इन मसालों का फ्लेवर आ जाए, इसलिए हमने थोड़े से मसाले यूज़ किए हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें मेलन सीड्स। मेलन सीड्स पहले ही मैंने भिगो कर रखे थे और इसमें हमने मिक्स कर दिए हैं। और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक, टमाटर प्याज और मेलन से थोड़े से सॉफ्ट होने तक उसको चलाएंगे। आप ये स्टेप ढककर भी कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरा दूसरा स्टेप, वो है आप मेलन सीड्स की जगह आप काजू का भी यूज़ कर सकते हैं और मावा का भी यूज़ कर सकते हैं। बस मावा को थोड़ा सा गर्म करके इसमें यूज़ कीजिएगा। बस हमारी सारी ये चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो तेज़पत्ता और दालचीनी हमने डाली थी उसको निकाल देंगे। अगर हम उसके साथ में इसको पीसेंगे ठंडा होने के बाद तो उसमें इसके थोड़े थोड़े दाने रह जाते हैं। अगर आप निकालना भूल जाते हैं, एक साथ आप पीस देते हैं, तो यहाँ पर भी एक और स्टेप है कि आप इसको छान कर यूज़ करें। आगे फिर से हम एक कढ़ाई लेंगे और उसको गैस पर रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, लाल सूखी मिर्ची, मैंने 2 लाल सूखी मिर्ची ली है और 2 ही मैंने तेज़पत्ता लिए हैं, 2 ही टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और इन तीनों चारों को मैंने हल्का सा भून लिया है। अब जो हमने ग्रेवी तैयार की थी उसको पीस कर हमने ठंडा होने के बाद जब पीस कर उसको साइड में रख दिया था, अब उस ग्रेवी को हम इसमें डाल देंगे। देखिए डालते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप बिलीव नहीं कर सकते। और बस इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। हल्दी पाउडर यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारी ग्रेवी ऑलरेडी येलो है, हम ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे हम सब्जियों की जान, जी हाँ, नमक।
नमक अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे और 2 मिनट तक उसे उबलने देंगे। आप ये प्रोसेस ढककर भी कर सकते हैं, मैंने ढका नहीं है, मैं खुला ही कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम डालेंगे फ्राई की हुई मटर और कॉर्न को, इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे, सब चारों तरफ से उसका चलाएंगे और मसाले और इन दोनों को मिक्स होने देंगे। फिर लास्ट में हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, और मैंने इसमें यहाँ पर कसूरी मेथी का भी यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना इसके भी ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप तक तो खुशबू नहीं पहुँचेगी, लेकिन आप तक इसका टेस्ट ज़रूर पहुँचेगा। प्लीज़ ट्राई कीजिए, खाकर देखिए, सबको खिलाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी थी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।